शुभ कामनाएं। मैं मोहम्मद सैफ अहमद आप सभी के सामने स्वतंत्रता दिवस से संबंध दो चार बातें रखना चाहता हूं। स्वतंत्रता दिवस हमारे देश की आजादी का एक शुभ दिन है। यह दिन 15 अगस्त है। यह हमारे देश की इतिहास का एक शुभ दिन है। इसी दिन हमारा देश अंग्रेज गुलामी से आजाद हुआ था। भारत माता स्वतंत्र हुई थी। भारत को अपनी स्वतंत्रता पाने के लिए लगभग अंग्रेजों से 200 वर्षों तक संघर्ष करना पड़ा। सबसे पहले 1857 में हमने आजादी की पहली लड़ाई लड़ी, लेकिन उस समय हमें एकता नहीं थी और हम हार गए। देश की आजादी के लिए झांसी की रानी ने अंग्रेजों के दांत इकट्ठे किए। सरदार भगत सिंह को फांसी दी गई और इस तरह न जाने कितने नए युवकों के प्राण गए। अंत में महात्मा गांधी के संग हमारे देश के वीर जवानों ने मिलकर हमारे देश को 15 अगस्त 1947 को आजाद करा दिया। 15 अगस्त 1947 से ही हमारे देश में हमारे देशवासियों का शासन चला आ रहा है। आजादी की कभी शाम न होगी, शहीदों की कुर्बानी बदनाम न होगी। आजादी की कभी शाम न होगी, शहीदों की कुर्बानी बदनाम न होगी। बची है जो एक बूंद लहू की, तब तक भारत माँ की आंचल नीलाम न होगी। मुकम्मल है इबादत और मैं वतन का ईमान रखता हूँ। मुकम्मल है इबादत और मैं वतन का ईमान रखता हूँ। वतन की शान की तारीख में हथेली पर जान रखता हूँ। क्यों पढ़ते हो मेरी आंखों में नशा पाकिस्तान का। मुसलमान हूँ मैं सच्चा दिल हिंदुस्तान रखता हूँ। हवाओं को ये बात बताए रखना, हवाओं को ये बात बताए रखना। अंधेरा होगी चिराग जलाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। अनेकता में एकता ही हमारी शान है, इसीलिए मेरा भारत महान है, आपका भारत हमारा।